हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एक नई रेसिपी। जिस रेसिपी का नाम है साबूदाना के पराठे और दही। लास्ट में वीडियो बने रहें। 2-3 घंटे के लिए साबूदाना को फुला के रख देते हैं। देख सकते हैं मेरे साबूदाना कितने खिले खिले दिख रहे हैं और साबूदाना सारे अलग अलग हैं। उसके बाद लेते हैं 3 आलू। साबूदाना की कटोरी को रखते हैं, उसके बाद तीनों आलू को रख घिस लेते हैं। घिसने के बाद में एक प्लेट में से रख लेते हैं आलू को। उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा फरारी नमक डालेंगे, 1/2 स्पून। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से कि आलू और साबूदाना और दही आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में लेते हैं पन्नी, एक यूज वाली पन्नी लेते हैं। पन्नी को रख देते हैं। उसके बाद इसमें लगाते हैं ऑयल थोड़ा सा। ऑयल लगाने के बाद में इसमें साबूदाना की टिक्की रखते हैं। टिक्की रखने के बाद में उसके बाद ऊपर से पन्नी रखते हैं। उसके बाद इसको आसानी तरीके से आराम आराम हाथ से इसको फैला देंगे, जैसे पापड़ बनते हैं, आलू के पापड़। उसके बाद चढ़ाते हैं तवा। तवा चढ़ाने के बाद इसमें डालते हैं 2 स्पून ऑयल। तवा को धीरे ही रखना, कम फ्लेम में रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है। उसके बाद इसमें साबूदाना का पराठा आराम से डालना, नहीं तो फट जाएगा, जैसे मेरा फट गया है। उसके बाद सही कर लेना, अगर फट जाएगा तो सही से बनेगा नहीं फिर। उसके बाद में इसमें चारों तरफ तेल लगाना है, ऊपर से भी तेल डाल देना है। उसके बाद इसको पलट देना है। पलटने के बाद फिर ऊपर से तेल डालना है। उसके बाद बनाते हैं दूसरा पराठा। दूसरा पराठा इसलिए बनाते हैं कि इसमें पराठा बनाएंगे, उस पर उसमें 4 छेद कर लेंगे पराठों को पकने के लिए, ऑयल अंदर तक पहुंच जाए। देख सकते हैं एक तरफ पक चुका है। उसके बाद इसको पलट लेंगे। एक से अब कितना अच्छा पराठा बना है। पराठा बहुत अच्छा बना है इसमें। उसके बाद फिर इसको पलटेंगे। उसके बाद फिर एक प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। सर्व करने के बाद में इसमें लेते हैं, 3 पराठा बनाते हैं, उसके बाद लेते हैं थोड़ा सा दही। दही में भी छौंका लगाना है जीरा और मिर्च का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।